हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल 4 डे 5। ठीक है, बुक 4 मॉड्यूल 7 डे 5। ठीक है, टॉपिक क्या नाम है? इस टॉपिक का नाम है रिफाइनिंग। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इस मॉड्यूल में आपने राइटिंग स्किल पे फोकस कर रहे हैं और राइटिंग स्किल पे आपके कॉन्टेस्ट है, डायनमो कॉन्टेस्ट है, और डायनमो कॉन्टेस्ट में जो डायनमो रूब्रिक है उसके हिसाब से हमको कॉन्टेस्ट मतलब राइटिंग स्किल को इन्हेंस करना है, बढ़ाना है, कॉन्टेस्ट देना है। तो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे आशा करता हूँ। तो देखेंगे हम लेसन ऑब्जेक्टिव, और लेसन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं क्या है। तो आप टेलीग्राम पे भी चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ पे आप जाके जुड़ सकते हैं, एंड यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले से चीज़ें आपको पता चल जाता है यहाँ पर क्या आपके कॉन्टेस्ट में होने वाला, क्या टॉपिक रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आपको आशा। कुछ लड़के कमेंट करते हैं सर इसका वीडियो नहीं है, जबकि आप क्यों कमेंट करते हैं? क्योंकि आपको जब हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको पता नहीं चलता, आप सब्सक्राइब करिए और उसको बेल आइकन को प्रेस करिए तो आपको वीडियो आपको सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आप परेशान मत करिए कि हाँ सर इसका वीडियो नहीं आया, सभी के वीडियो मैं पहले से प्रोवाइड कर किया रहता हूँ। तो ठीक है, तो देखेंगे लेसन ऑब्जेक्टिव आपका क्या है। परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, हाईलाइटेड पॉइंट पे चलेंगे हम। अंडरस्टैंड द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस रिक्वायर्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड कमिटमेंट। सो परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, आप व्हाट यू थिंक, व्हाट व्हाट डू यू थिंक परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस? सो परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस मतलब कि जैसे कि जो हमें गोल को पाना होता है, जैसे राइटिंग स्किल के हमारा एक गोल है राइटिंग स्किल को इन्हेंस करना है, उसके लिए आप मतलब कि क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या मतलब अपने आप को कमिटमेंट दे रहे हैं, वही इसमें समझना है। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है अपने गोल को पाने के लिए? इसका होता है उत्कृष्टता का लक्ष्य। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रैक्टिस करना हम कर सकते हैं अपने चीज़ों को पाने के लिए। प्रैक्टिस हम सब प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट। सो प्रैक्टिस ऑलवेज प्रैक्टिस, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग आई कैन, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग आई एम डेफिनेटली श्योर यू कैन विन द डायनेमो कॉन्टेस्ट। ओके, सो सेकेंड वन प्रूफ रीडिंग एंड इटिंग। सो आई थिंक यू आर नो अर्लियर आई डिड लर्न द प्रूफ रीडिंग एंड इटिंग। सो देखिए प्रूफ रीडिंग एडिटिंग स्किल कंपोज, मतलब कि जो हम प्रूफ रीडिंग होता है हमारा, प्रूफ रीडिंग में हमें जब सभी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, जैसे कि हम प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं तो जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस ग्रामेटिकल एरिया, एवरी थिंग वी हैव टू फॉलो सी द इन प्रूफ रीडिंग। एंड इट वेन वी आर टॉक अबाउट एडिटिंग, एडिटिंग में आपको पूरा चीज़ देखना पड़ता है, होल चीज़, मतलब कि कोई भी अगर वहाँ पर गलत है तो उसको आप एडिट करिए, तो एडिटिंग ये चीज़ें होगा। ठीक है, तो अगला क्या है देखेंगे, हाईलाइटेड पॉइंट देख लेते हैं। ऑथेंटिक फीडबैक प्रोवाइड ऑथेंटिक फीडबैक पी एस बेस्ड ऑन डायनमो, मतलब कि जैसे कि आप अगर आप आज एक स्टोरी लिखेंगे तो उस पर मतलब कि आप प्रोवाइड ऑथेंटिक फीडबैक, मतलब कि ओरिजिनल फीडबैक प्रोवाइड करें, मतलब उस बंदे की क्या ज़रूरत है उसको, मतलब डायनमो रूब्रिक के हिसाब से उसको फीडबैक प्रोवाइड करिए, तब वो बंदा अपने राइटिंग स्किल को इन्हेंस कर पाएगा मेरे लाल। सो तो आपको मतलब कि ऑथेंटिक फीडबैक देना है, अच्छा फीडबैक देना है, पोलाइट वे में फीडबैक देना। फीडबैक ऑलवेज फीडबैक, मतलब जब हम फीडबैक देते हैं तो ऑलवेज, मतलब कभी कभी मैं बंदों को देखता हूँ कि मतलब किसी की चीज़ को बताते हैं तो उनको निगेटिव कर देते हैं। फीडबैक ऐसे देखो, मतलब कि एवरी थिंग इज़ फाइन बट यू हैव टू बी फोकस लिटिल बिट, मतलब कि ऐसा बोलो कि उस बंदे को ना लगे कि ये चीज़ें मुझे, उसको मतलब अच्छा भी लगे और उस चीज़ों को इन्हेंस करने का प्रयास करें। पोलाइट ऑलवेज गिव द फीडबैक इन पोलाइट वे, एक बहुत अच्छी कला है अगर आप इसे सीख लेते हैं फीडबैक देना, तो इसे बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कि नहीं गिरा गिरेगा और अब उसको मतलब वो प्रैक्टिस भी करेगा। तो अगला देखेंगे क्या है, और इस साउंड से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छा, और क्या है प्रैक्टिसिंग परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के बारे में आप जानते होंगे, देखिए परफेक्ट टेंस जो होता है, एक पास्ट में परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। जब पास्ट की बात कर ले तो जो होता है आपका बीता हुआ कल, ठीक है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जो प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है, ठीक है, और जो होता है फ्यूचर जो मतलब होने वाला है फ्यूचर में, तो परफेक्ट टेंस में जो होता है प्रेजेंट टेंस में उसका होता हैज या हैव, ठीक हैज या हैव होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होता है, तो आपको हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें हैड होता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में उसमें आपका क्या होता है, बिल हैव बीन, यही होता है आपका बिल हैव बीन, बिल हैज बीन, यही होता, बिल हैज विल हैव बीन हैज बीन होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा उसका फ्यूचर कंटिन्यूस का क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या होता है। तो ये था आपका टेंसेस के बारे में हो गया।
तो और आपको बता दूं, ये सेबी में आपका मतलब कि आज जो है आपका ये सेबी में जो है मेरे दोस्त, ये सेबी में आपको मतलब कि जो आप मॉड्यूल 3 में जो आप स्टोरी लिखे थे वही आपको मतलब कि मेरी सेबी में आपको वही स्टोरी मतलब लिखना होगा। तो मतलब कि स्टोरी जो मॉड्यूल 3 में लिखे उसको आप कैसे लिखते हो, बढ़िया से बना के स्टोरी को लिखिए जो मॉड्यूल 3 में पढ़े थे आप स्टोरी को, मॉड्यूल 7 डे 3 में जो आप स्टोरी लिखे थे वही आपको आज भी लिखना रहेगा। तो आपको पीयर्स मतलब आपको पीयर 1 पीयर 2 फीडबैक भी देंगे उसमें, ठीक है। तो रुको 1 मिनट, मैं ऐसे भी खोल के आपको दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी दैट मॉड्यूल जो है 7 डे 5 का जो है आपको यहाँ पर देखिए पहला दिया है, तो आपको यहाँ पर रीराइट करना जो आपने स्टोरी मॉड्यूल 3 में लिखा था, मॉड्यूल 7 डे 3 में लिखा था, तो इसको आपको यहाँ पर रीराइट करना पड़ेगा। तो आपको इस एवरीथिंग फाइन मतलब एवरीथिंग विल बी फॉलो माइंड मतलब डियानो रूब्रू की फॉलो करिए, और आपको प्रूफ रीडिंग की चीज़ें जो होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर ग्रामेटिकल एरर एवरीथिंग स्पेलिंग फॉलो। तो यहाँ पर आपको एक पीयर 1 आपके मतलब क्लासमेट्स पीयर 1 पीयर 2 फीडबैक देंगे, ठीक है। और डियानो रूब्रू के हिसाब से आपको फीडबैक भी देना है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिए। तो इसमें कुछ था नहीं, ये साउंड से हैं, साउंड से आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस के बारे में मतलब कि क्यूज दिया गया है, तो इसका अलग से वीडियो बनेगा मेरे भाई। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी चीज़ें मिल रहा है। तो और उसके बाद फिर आप एक मतलब कि ये पीए का एक रूल मतलब आया है कि जैसे कि कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो 20 बच्चों को लेना है, तो उसमें से मतलब कि मेरे पास